आई डोंट नो यार, लोग क्यों नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय, मम्मी मर गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं शशांक बोलूँ, फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एसएम ब्लॉग्स में। सो राइट नाउ आई मीन जीटीवी नगर, मेरे भाई के रूम पे हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोगों का प्लान बन रहा है कि सीपी जाएंगे, सीपी से फिर हो सकता है देखो गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे के बाद देखेंगे और कुछ एक्चुअली में कुछ यार शॉपिंग करनी है, तो शॉपिंग अगर कुछ अगर अच्छा मिल गया, सामान स्टफ अगर अच्छा मिल गया तो शॉपिंग कर लेंगे, नहीं तो फिर घूम तो लेंगे ही, ठीक है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, आज की वैसे यार क्लास थी, आज मैंने समाहू मैंने प्रॉक्सी लगवा करके, समझ लो प्रॉक्सी लगवा करके आया हूँ, क्योंकि कल कुछ काम है, कल कुछ थोड़ा सा लॉन्ग डे होने वाला है। सो ऑल राइट, सो अभी एक्चुअली मेरे पास में कोई भी ट्राईपॉड नहीं है, कोई भी गोरिल्ला पॉड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए मेरे शेयर की बहुत ज़्यादा इमेज आ रही है। सो थोड़ा सा लगा लो, थोड़ा सा हिसाब किताब लगा लो। सो बाकी का अभी जीटीवी नगर मेट्रो स्टेशन जा रहा हूँ, ट्रैफिक यहीं से लगने लगा है, अभी लगभग 300 मीटर दूर जाना पड़ेगा। देखो अरे ट्रैफिक यहीं से लगना स्टार्ट हो गया, अभी 300 मीटर और जाना है। सक्सेसफुली हमने कैमरा अपना अंदर लेकर के आ गए हैं बिना किसी रोक टोक के। सो अभी हम हैं जीटीपी नगर मेट्रो स्टेशन एंड यहाँ से जाएंगे पहले राजीव चौक पहले चेक करेंगे कि अगर हमें जो सामान लेना वो सामान अगर मिलता है राजीव चौक देन अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखते कहीं और चलेंगे। सो लेट्स गो। ओके, तो भाई साहब ने अभी एक बड़ी निंजा टेक्निक अपनाई है, दैट इज़ कि हमने जीटीवी नगर से हमने मेट्रो पकड़ी थी, दैट इज़ कि थोड़ी सी भरी हुई थी, हमें खड़े होकर के जाना था, बट ही इज़ लाइक कि एक काम करते हैं विश्वविद्यालय उतरेंगे एंड विश्वविद्यालय से दूसरी मेट्रो जो आएगी वो खाली आएगी, उसको पकड़ के चलेंगे। ये रहे भाई साहब, ये एक्चुअली मुझसे छोटे में एज में, बट हाइट में बड़े हैं, वो बात अलग होता है, ये हमारों में होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इनकी टेक्निक कितनी काम आती है। ओके, तो भाई साहब की टेक्निक एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि मुझे दो मिनट भी खड़े हुए नहीं हुए और एक खाली मेट्रो आ गई। तो ये वाली टेक्निक कितने दिनों में तुमने सीखी? तुम्हें वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है दिल्ली आए हुए? बहुत दिनों में, मतलब कितना दिन हुआ? लगभग एक महीने से तुम यही कर रहे हो? वैसे तुम राजीव चौक तुम डेली करने क्या जाते हो ये बताओ, पहले गर्लफ्रेंड है राजीव? नहीं, राजीव चौक जब भी आते हैं। ओके ऑल राइट, सो अभी हम निकले हैं गेट नंबर 6 पे एंड मौ कसम क्या भीड़ है यहाँ पे यार। ओके, सो अभी हम बाहर निकल आए हैं, पालका मार्केट जाने का मेरा मन था, मैंने सोचा कि पालका मार्केट में एक बार देख लेता हूँ सामान कि कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, बट भाई साहब को पालका मार्केट पसंद नहीं है, ही इज़ लाइक कि यार पालका मार्केट मुझे समझ भी नहीं आती है, बड़े लोग पैसे खर्च करने वाले, कह रहे कि कोई बात नहीं ब्रांडेड पहनेंगे। मैंने ठीक है, तो अभी जाने का सीन है या तो वुडलैंड जाऊंगा या फिर एडिडास, लेट्स सी, अगर देखते हैं कौन से मैं जाता हूँ, बट ये इधर नहीं है, नहीं यही कहीं होना चाहिए। ओके, अभी स्केचर्स में होकर गए, तो स्केचर्स में कुछ भी समझ भी नहीं आया, मतलब बाटा पक्का यार स्केचर्स में तो मुझे बहुत गंदे लगे, लिटरली में बहुत गंदे लगे। एक होता है ना लेने वाला मन, एक होता है कि बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, वो वाला हिसाब था बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। सो अभी बाटा में देखते हैं। ओके, काफ़ी घूम लिया, बट हमें हमारे मुझे जो चाहिए थे शूज़ वो मुझे नहीं मिले। सो अभी सीन ही है, अभी यहाँ पर एक काफ़ी फेमस एक जगह है, मुझे यार नाम नहीं याद है, वो मतलब कुछ अच्छा सा यार खाने के लिए मिलता है, बट मिलता है इतना पता है। सो उसको देख रहा हूँ, वो अगर मिलता है तो वहाँ पर जाएंगे एंड बाकी का शूज़ के लिए ये देखा कि कल जा करके डीकैथलॉन से मैं कुछ सामान उठाऊँगा। लेट्स सी, रोड क्रॉस करो, ब्लॉगिंग करने वाले कृपया करके ध्यान में रोड क्रॉस करते टाइम पे ब्लॉगिंग ना करें, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होने का चांस हो सकता है, इसीलिए मैंने कैमरा डाउन करना पड़ा, क्योंकि मैं बच गया था अभी अभी, ठीक है, दैट्स अ पार्ट। एंड एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है, दैट इज़ कि जब आप ब्लॉगिंग करते हो, जब आप कैमरा उठाते हो, तो जो भी आमने सामने होते इंसान देखता ही नहीं है भाई, चारों तरफ से स्टेयर करते हैं, दैट इज़ लाइक कि ये बंदा कर क्या रहा है एक्चुअली में भाई, मतलब कैमरे के साथ में बोले जा रहा है, मतलब कर क्या रहा है इंसान है कि पागल हो गया ये। ओके, घूमते ढूंढते मुझे तो स्पेशली वो दुकान नहीं मिली, आई डोंट नो कि वो कहाँ पे है, बट मैंने देखी तो है यार, क्योंकि मैंने जैसे सो डेली करके एक इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर वो लोग सारे के सारे चीज़ें ऐसी जो यूनिक चीज़ें होती हैं वो लोग वहाँ पर यार अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे देखी थी,
बट मुझे मिली नहीं। सो अभी सीन ये, अभी हम लोग निकल रहे हैं शायद गुरुद्वारे, गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे घूम के आएंगे। एंड ये पता नहीं किससे फ़ोन, किसी से तो फ़ोन पे लगा हुआ है। सो देखते हैं, इसको भूख लगी तो बोला यार कुछ खाना है, मैकडी चलने मैकडी, मैंने मैकडी से अच्छा यार कहीं चाट खाएंगे चल के मस्त एकदम बढ़िया वाली, ठीक है, नहीं तो फिर गुरुद्वारे जाएंगे, गुरुद्वारे से कुछ खा करके आएंगे। देख खाने से ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि घूम के आएंगे। बहुत दिनों से मुझे जाने का भी मन था, हाँ पता है। और हम साथ, ये पता है, ये इतना परेशान हो रखा है, इसको मैं साथ लेकर के आया हूँ, ये इतना करा, चलें वापस, चलें वापस, मतलब 15 मिनट नहीं हुए, ओह गॉड क्या था, 15 मिनट नहीं हुए, चलें वापस, चलें क्यों यार, घूमने आए हैं, थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, इतने दिनों बाद मैं आया हूँ, थोड़ा सा तो बनता है ना। ओके सो बी जस्ट रीच बंगला साहिब, एंड बंगला साहिब हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, उसमें किसी चीज़ की शक नहीं है। हमारा फ़ोन बज रहा है, ठीक है। सो अभी चलते हैं फटाफट से अंदर, बार बार वही, और ये यहाँ पर जो झरना होता था वो तो है ही नहीं, वो तो खत बंद ही हो गया इस टाइम, आई डोंट नो व्हाई, बट अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं चल के, देखना क्या सेम ही दर्शन होंगे, बट दर्शन करके आते हैं। बट हाँ, हर बार का एक नया एक्सपीरियंस होता है, हर बार की एक एक नई नई चीज़ें होती हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब ये भाई साहब गुरुद्वारे में जा रहे हैं, किसी भी गुरुद्वारे में, मेरे हिसाब से किसी भी गुरुद्वारे में ये भाई साहब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आई डोंट नो यार, लोग क्यों नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ, हर जगह जाओ यार, हर जगह चीज़ें एक्सप्लोर करना सीखो, मज़ा आता है। ऑल राइट, ओके सो अभी वहाँ से तो होकर के आ गए हैं, अभी नहीं मना है, पहले रुमाल करो, हाँ रुमाल करो अंदर साइड में, आप कहीं भी आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, फोटोज़ नहीं ले सकते, सेल्फीज़ नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते अभी प्रेजेंट टाइम पे। पहले ये था, पहले छुप छुप के आप कर सकते थे एक बार को, बट अभी एकदम स्ट्रिक्टली हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर है, यहाँ पर पहरेदार लगे हुए हैं, सो एकदम स्ट्रिक्टली नो नो नो। अच्छा लंगर खाना है, लंगर चल रहा है, खाना है, हाँ भीड़ तो होगी, टाइम लगेगा, हाँ वो भी लगेगा, चलो तो फिर चलते हैं, नहीं खाना कोई बात नहीं, ओके ऑल राइट। सो सही मायने में तो सेकुलर हम ही लोग हैं, क्योंकि अभी तक अभी गुरुद्वारे होकर गए थे, तो अभी फिर हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर, जो कि सीपी से जब आप जाते हो गुरुद्वारे के लिए तो रास्ते में पड़ता है। सो अभी हम हनुमान मंदिर जा रहे हैं, सो लेट्स गो, कहाँ पहुँच गए अरे यार, चलो ओके। हमने काफ़ी सेकुलरली हमने सब जगह घूमा, मंदिर भी घूमा और गुरुद्वारा भी घूमा, एंड अभी प्रसाद खा करके जा रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ खाना है या नहीं खाना है ये बताओ, नहीं खाना है मतलब सीधा रूम पे, ओके वैसे अभी रूम पे जाने का भी वैसे यार टाइम हुआ नहीं है, क्यों अभी काफ़ी टाइम है, अभी आई थिंक 7:15 हुए हैं, सो देखते हैं अभी पहले यार राजीव चौक पहुँच के देखेंगे कुछ और खाएँगे या क्या करेंगे। ओके ऑल राइट, सो अभी यहाँ से काम ख़त्म, यहाँ पे क्यों भाई को जाना है रूम पे, क्यों उसको चुलमची हुई है, रूम पे चलना है, रूम पे चलना, सो अभी रूम पे जाते हैं एंड देखते हैं यार कुछ और, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है अभी तो, क्यों मेरा भी दिन नहीं ख़त्म हुआ है, मैं अभी जाऊँगा रूम पे, देन आफ्टर हो सकता है मे बी कि मैं मंजीत के पास जाऊँ, मिलने का कुछ प्लान है, देखते हैं फिर मंजीत से मिलने के बाद में प्लान करते हैं कि कुछ क्या करना है, नाइट आउट करना है, क्या करना है, क्या सीन है क्या नहीं। भैया पनीर टिक्का रोल 147 एक काम करो रोल ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, पनीर क्या तुम्हारा एग्रो एंड ये रहा मेरा पनीर रोल, खाते हैं और फिर मिलते हैं। ओके सो डन विद द फूड एंड ओके सो डन विद द फूड, अभी सीधा मेट्रो पकड़ के नीचे जाना, मतलब अभी नीचे जाना है फिर मेट्रो पकड़ के सीधा निकलना है। ओके सो घूम घाम के कट ऑफ फ्रॉम राजीव चौक हम लोग सीधे सीधे आए हैं भाई के, मतलब हम लोग नहीं मैं अकेला आया हूँ भाई के फ्लैट पे, रात भर बकचोदी काटेंगे, बिल्कुल बकचोदी के इतने कीड़े हैं कि हमारे वो आपको देखता हूँ, अगर बताने लायक अगर होगी तो बताएंगे, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे, क्या पता हमारी कुछ सेंसर्ड भी चीज़ें होती हैं, सो लेट्स सी।
नहीं नहीं रुक जा जिंदगी में आ जाएगी बाहर जब हम कच्चे लेंगे 100 के 4 समझे। ओके तो अभी जिम जा रहा है ना, ठीक है ठीक है। अच्छा भाई निकलना है जिम तो मैं जाऊंगा अभी फ्लैट के ऊपर। सबसे मेन चीज पता क्या होती है उसका, फ्रिज देखने को। लड़के डाइट रख रखी हो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मतलब भाई साहब मीठा भी रखा हुआ है, क्या बात है। दिस इज माई फेवरेट थिंग, माँ कसम भाई मजा आ गया, माँ कसम मजा आ गया यार। ओके तो हमारे शेफ साहब देखो वापस आ गए हैं जिम करके। आज बहुत शरीफ लड़का लग रहा है, मतलब इतना शरीफ मैंने उसे कभी जिंदगी में नहीं देखा, इतना शरीफ लग रहा है। अभी हम पोज खत्म कर रहे हैं। हाँ खत्म कर रहे तो बाबा जी लग रहे हैं शरीफ। हाँ, तो अभी आज हम क्या खा रहे हैं? अभी अभी मैं बना रहा हूँ पनीर सैंडविच। ओके और टाइम हो गया रात के 1 बजे और अभी हमारा उसके बाद हम 2 बजे शायद एग खाएंगे, फिर 3 बजे हम शायद ऑमलेट मतलब भुज्जी खाएंगे। हाँ फिर हम 4 बजे हम सोएंगे, 4 बजे हम सोएंगे, फिर हम सुबह देखते हैं किस टाइम उठेंगे। अभी किसी को मत बताना ऐसे बनती है बॉडी, ठीक है। ये अभी अभी इसको मत बताना ऐसे बनती है बॉडी। कुणाल भाई बर्तन धो के कैसा लग रहा, इधर तो देख ले। छूना यहाँ पे आप चटनी डालो। ओके ठीक है भाई चाकू अब टिकटॉक पे डालनी है, टिकटॉक पे डालनी है फिर तो फोन। अच्छा खाना है, एक मिनट छोड़ा हाँ छोड़, पहले बर्तन मान, बर्तन मान पहले, चल ये खाने तो चल बर्तन मान, अच्छे से साफ होने चाहिए, दे रहा हूँ ना अच्छे से, चल 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 पहले बर्तन। अगर छोटा भाई काम ना करे, लालच लो खाने का, बर्तन तो क्या पोछा भी मारेगा। Somebody who needs you, somebody who trusts you, takes care of your needs.